प्रलय से अब धीरे धीरे निजात मिलना शुरू हो गया है। नगर से भी जल निकासी तेजी से शुरू है, ऐसे में जल स्तर भी काफी कम हुआ है, मगर अभी कई गली मोहल्लों से पूरी तरह जल की निकासी होने में काफी वक्त लग सकता है। हालांकि जल प्रलय की स्थिति बन जाने के कारण लालगंज को बाढ़ ग्रसित क्षेत्र घोषित करने की मांग भी अब जोर पकड़ने लगी है। आज हम लोग बाढ़ से ग्रसित है, आज हम लोग बाढ़ से डूब गए हैं, तो आज आप जो आपकी सरकार कोई सहायता प्रदान नहीं कर रही है। सरकार को हम लोगों को सरकारी सहायता प्रदान करनी होगी, सभी पंचायतों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करना होगा और करना होगा। इस मांग को लेकर नगर से लेकर गांव तक के लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं खुद विधायक संजय कुमार सिंह जिलाधिकारी से मिलकर मांग पत्र सौंपे थे। मिले थे आप बाढ़ घोषित करने के लिए, इसको क्या माने पाल है? नहीं, डीएम की तो तरफ से आदेश हो गया है, जीआर की कार्रवाई हो रही है, दोनों अंचलों के अंचलाधिकारी को यह आदेश मिल गया है कि वो जीआर की तैयारी करें, और हमने अपने तरफ से आकलन भी शुरू करा दिया है सभी तरफ से, ताकि जो सरकार की रिपोर्ट है, जो शासन के लोग रिपोर्ट करेंगे, उसके अलावे हम इन सारे रिपोर्टों को आगे बढ़ाएंगे। हम भी अपने लोगों के माध्यम से और समाज के लोगों के माध्यम से जो भी क्षति हुई है उसका एक आकलन करा रहे। दूसरी तरफ जल जमाव से जूझ रहे लोगों के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई राहत कार्य भी चलाया जा रहा है। वहीं कुछ प्रबुद्ध लोग अपने समाज की मदद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति में से एक हैं लालगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राकेश शर्मा उर्फ पप्पू सिंह, जो अभी कुछ पारिवारिक समस्याओं में उलझे हैं, फिर भी अपने क्षेत्र की जनता के दुख दर्द को बांटने का ख्याल रखते हैं। उन्होंने अपनी ओर से अपने क्षेत्र के जल जमाव से पीड़ित परिवारों के लिए राहत सामग्री का वितरण कराया। उनके कार्यकर्ताओं ने लालगंज नगर क्षेत्र के प्रेमगंज, नूनू बाबू चौक, बरबन्ना, चिमनापुर, सलाहपुर, तिनपुलवा चौक, बेदौली के साथ साथ कई पंचायतों में भी राशन सामग्री का वितरण किया। बाढ़ राहत में पूरा लालगंज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र पूरा डूबा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी श्री राकेश कुमार सिंह पप्पू बाबू के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वो बोले कि लालगंज शहर जब डूब चुका है तो इस परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में, यह कार्यक्रम राहत सामग्री राघवेंद्र जी द्वारा बांटा जाए, ये बहुत अच्छी बात है। और उनके द्वारा ये राहत सामग्री दो चार दिनों से यह वितरण किया जा रहा है, और हर इलाका में हम लोग प्रेमगंज से लेके हॉस्पिटल रोड, नूनू बाबू चौक, सलाहपुर, लालगंज मस्जिद चौक, चिमनापुर, पोस्ट ऑफिस चौक, तिनपुलवा चौक इत्यादि सभी जगह, सररिया, बेदौली, कमालपुर, सभी जगह जो बाढ़ से डूबे हुए लोग हैं उनके भी वितरण किया जा रहा है। तो इस आपदा की घड़ी में भी ये प्रत्याशी खुद दिखाई नहीं दे रहा, इसके पीछे क्या वजह है? ये प्रत्याशी बॉम्बे गए हुए हैं अपनी माँ के इलाज कराने, और बॉम्बे में ही थे तो हम लालगंज की खबर, इनको लालगंज की खबर के बारे में हमेशा ये पूछते रहते हैं, क्योंकि हमारे महाविद्यालय के सचिव भी हैं, इनका ददिहाल भी यहाँ है, तो लालगंज की समस्या के बारे में, लालगंज की हर स्थिति के बारे में ये जायजा लेते रहते हैं। ये पूछे तो ये कहे कि मैं अपनी माँ का इलाज करा रहा हूँ, इस विकट परिस्थिति में मेरे तरफ से हम टोटल सामग्री भेज देते हैं, सारा वितरण करवाइए लोगों के बीच।